समझाने के लिए मैंने इसमें 35 चैन डाल रखी है। ये देखिए सिंपल सी है, मैंने 35 चैन बुन ली है। अब देखिए हम इसकी फर्स्ट रो बुनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हम इस तरह से देखिए सिंगल क्रोशिया से बुनेंगे। हर चैन में हमने सिंगल क्रोशिया से बुनना है। ये हमारी फर्स्ट रो है। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैं इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट करके सेकंड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने सिंगल क्रोशिया से फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। अब देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और इसे पलट देंगे। पलटने के बाद देखिए एक दो तीन चार, चार स्किप करके पांचवे में हमने, यानी पांचवी चेन में हमने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। एक दो तीन चार, अब फिर देखिए एक एक चैन बुनेंगे और ये देखिए एक दो तीन चार, चार चैन स्किप करके पांचवे में हमने फिर से डबल क्रोशे से ही बुनना है। हमने फोर टाइम ही बुनना है। एक दो तीन चार, फिर आपने एक चैन बुननी है, फिर यहां से आपने चार स्किप करने। एक दो तीन चार स्किप करिए, पांचवे में डबल क्रोशे से चार बार बुनिए। एक दो तीन चार, फिर आपने एक चैन बुननी है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं सेकंड रो कंप्लीट करके थर्ड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए अब हम लास्ट पर आ गए हैं। देखिए चार बार बुनने के बाद एक चैन बुनेंगे और इसके बाद एक बल लेंगे और देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे। एक दो, फिर देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, इसे पलट देंगे। पलटने के बाद एक बल लेंगे और इस जाले में आपने एक पफ स्टिच बनाना है। देखिए इसे एक बड़ा सा फंदा लीजिए। एक दो तीन चार, चार बार बुनने के बाद आपने देखिए इस तरह से इन सबको एक साथ बुनना है। फिर आपने चार चैन बुननी है। एक दो तीन चार, चार चैन बुनने के बाद आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए एक बल लीजिए और इसमें दोबारा से पफ स्टिच डालिए। एक दो तीन चार, चार के बाद देखिए इस तरह, फिर आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ आपने दोबारा से पफ स्टिच डालना है। एक दो तीन चार, और फिर आपने इन सबको इस तरह से बुनना है। फिर देखिए एक दो तीन चार, एक बल लेंगे, फिर से हम इसमें पफ स्टिच डालेंगे इस तरह से। एक दो तीन चार, ये देखिए चार के बाद आपने इसमें फिर से दोबारा से पफ स्टिच डालना है। एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ इस तरह बुनना है। फिर आपने चार चैन बुननी है। एक दो तीन चार, एक बल लेंगे,
फिर से इसी में बुनना है, इस जाली में। एक देखिए इस तरह से हम सेकंड रो, ये थर्ड रो बुन रहे हैं। फिर फ्रेंड्स आपने देखे इसके बाद यहाँ बुनना है, एक दो तीन चार, और इन सबको एक साथ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस थर्ड रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें फोर रो में क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने थर्ड रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए पफ स्टिच डाले हैं, हर दो जाली पे मैंने दो बार पफ स्टिच डाले हैं और मैंने चार चैन की जाली बनाई है। ये देखिए इस तरह से आप देखिए फ्रेंड लास्ट पर आ गए हैं। लास्ट पर आने के बाद आपने ये देखिए यहाँ से एक बल लेना है और आपने यहाँ से डबल क्रोशे से बुनना है। इस तरह से फिर देखिए एक दो तीन, तीन बुनेंगे और तीन बुनने के बाद देखिए एक बल लेंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए ये जो है इसके बीच में यहाँ हमने फोर टाइम डबल क्रोशे से बुनना है, एक दो तीन चार, फिर एक चैन बुननी है और फिर देखिए इसके अंदर यहाँ यहाँ पफ स्टिच के बीच में यहाँ यहाँ आपने फिर से फोर टाइम डबल क्रोशे से बुनना है, एक दो तीन चार, फिर से देखिए एक चैन बुनेंगे और ये देखिए यहाँ यहाँ आपने डबल क्रोशे से फोर टाइम बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम फोर रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हम फोर रो कंप्लीट करके फिफ्थ रो में बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फोर रो भी कंप्लीट कर लिए, जैसे मैंने सेकंड रो बुनी थी इसी तरह मैंने फोर रो बुन ली है। अब देखिए फ्रेंड्स हम बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं, एक बल लेंगे और देखिए यहाँ डबल क्रोशे से बुनेंगे किनारे पे और फिर हम दो बार बुनेंगे। फिर अब हम तीन चैन बुनेंगे, एक दो तीन, और अब हम तीन चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए एक बल लेंगे और इस वाली जाली में यहाँ पर हम पफ स्टिच बुनेंगे। जैसे हमने थर्ड रो बुनी थी बिल्कुल उसी तरह हम फोर रो ये फिफ्थ रो बुनेंगे, दो तीन चार, चार पफ स्टिच बुनने के बाद इन सबको एक साथ इस तरह बुनेंगे। देखिए फिर इसके बाद हम चार चैन बुनेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन बुनने के बाद एक बल लेंगे और हम दोबारा से इसी जाली में पफ स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चार, और इन चारों को इस तरह बुनेंगे। फिर एक देखिए एक बल लेंगे और इस वाली जाली में हम पफ स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन चार, और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह। फिर से हम चार चैन बुनेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से जैसे मैंने ये थर्ड रो बुनी थी, मैं फिफ्थ रो बुनकर आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने देखिए ये फिफ्थ रो भी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है डिजाइन। बस फ्रेंड्स आपने देखिए ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, इन दो रो को रिपीट करना है। देखिए सेकंड थर्ड मैंने ये दो रिपीट करी हैं और मेरा इतना प्यारा डिजाइन तैयार हो गया। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशिया वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।